अभी पवन सिंह जी के साथ कोई गाने आपके आ रहे हैं नहीं? पहले तो आस्था सिंह अपने फिल्म का शायद प्रमोशन अपने फेसबुक से पवन सिंह का कोई गाने को आप शेयर नहीं किए, ऐसा भी खबरें मिल रही थी। फिल्म या कोई गाना आरोप लग रहा था आस्था जी पर कि पवन सिंह का गाने को आपने शेयर अपने फेसबुक आईडी से नहीं किया। देख सकते हैं कि इतना भीड़ है यहाँ, गुलाब जामुन, काला जामुन, रसगुल्ला, लंगलाता, पेड़ा, लीचीदाना, दही बारा, तमाम ऐसे चीज़ है कि लोग खा रहे हैं। एक वो प्लेट का कीमत है 10,000। थोड़ा तस्वीर को भी घुमा दिया जाए कि कुछ यहाँ भी लोग लगे हुए हैं, चना और इमरती तमाम चीज़ों का मज़ा ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। और कुछ हमारे भाई रील्स वाले भी हैं जो कि तमाम लोग यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं। ये बताइए, इधर आइए, खाना खा लिए? हाँ जी, हो गया। मज़ा आया खाना खाने में? बहुत। आइसक्रीम खाए कि नहीं खाए? नहीं खा लिया मैंने। नहीं खाए? ऑल कंप्लीट खा। कंप्लीट, पूरा पेट भर गया? बहुत ज़्यादा। हाँ हाँ, तो देख सकते हैं कि भैया खाना वाना खा के पूरा फिट हो गए हैं और हम लोग भी अभी फिट होने के मूड में, लेकिन अभी आइसक्रीम खा के पेट हुआ था ठंडा कर रहे हैं, सही बात है। बड़ी खुशी की बात है कि भैया के इवेंट में नॉन वेज और वेज दोनों की व्यवस्था थी। हाँ, नॉन वेज मतलब सिर्फ मांस मछली नहीं होता है। अच्छा, हाँ ऐसा ऐसा खाना होता है जैसे कि मशरूम हो गया, मशरूम, गुलाब जामुन, पेड़ा, लीचीदाना, दही बारा, तमाम ऐसे चीज है। बहुत सारे सोकोटी से पेड़ा खाए, ये पेड़ा था किस्मत में लिखा हुआ है, तो कहाँ से खाओ पेड़ा। खुशी की बात ये है कि दो प्लेट ये खाए हैं। हाँ हाँ, हम लोग नहीं खाए हैं। देखिए भाई जी, पवन भैया के इवेंट में एक ही प्लेट खाते हैं, बचा देते हैं पवन भैया के। हाँ नहीं, ऐसा नहीं कीजिए, पवन भैया खसार भी हम लोग के लिए बराबर है। वैसे ही बताइए, ये हमारा भाई है, रील बनाए हैं और अभी तो हमारा छोटा भाई है ये है। हाँ, अच्छा बना रहे हैं का? अच्छा ये बतावा कि इतना तगड़ा आ भाई है। हेलो भाई, अरे देख मैंने निंदवाल है बाउंसर साहब, ये बतावा लगभग हमने पेंट फारे। ये तो मैंने खाना खाने के मजा आया कि नहीं, क्योंकि इंटरव्यू बड़ी हो गया लेकिन खाना का मजा कैसे? बहुत बढ़िया खाना, बढ़िया था। मैंने तबाही भी अभी खाया, दो प्लेट मार के कहते आरोप लगा दो हमारा पर, ये मर रहे दो प्लेट। सुनिए खाना का दिखाइएगा एक बार। हाँ। वहाँ से चालू कीजिए बाप। बड़ी में वो खुशी की बात है कि आज हम तब इधर भी आके दिखा दिए, कुछ कन्याकुमारी लोग भी खाना खा रही हैं, इसलिए रील उल बनाते हैं मैडम लोग, लेकिन पूरा भोजन का अंबार लगा हुआ है। कैसे हैं? ठीक है, बढ़िया है। आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया है, पूरा भोजन का व्यवस्था बढ़िया था ना? सब बढ़िया है। काजी मैडम खाना खा रही हैं? मेरा सब बढ़िया है, मुझे चेयर नहीं मिला है। चेयर नहीं मिला है? नहीं। तो गलत है, साथ साथ मुझे पापड़ भी नहीं मिला खाना। बाप रे बाप, बड़ा समस्या है जिंदगी में भैया। देखो जिंदगी कोई भरोसा नहीं है, सही में कपिल शर्मा सही बोला है, माला लगाया हुआ पॉलिसी बजार डॉट कॉम, चेयर नहीं मिला लेकिन भोजन मिला। हाँ भोजन मिला, पेट भर रहा है। सब सही है, सब सही है, कोई दिक्कत नहीं। क्या आप लोग को मिला? क्या आप लोग को मिला भोजन? हाँ सब कुछ मिला, ये पी रहे हैं पानी। आपको सिखवा सिखाया? कुछ भी नहीं। और लस्सी पड़ा दही बारा कुछ सब चीज मिला के मैंने घटिया क्या? सब कुछ, सब कुछ रेडी। वाह क्या बात है, यानी कि अब कुछ चीज का कमी है, लेकिन एक बार आइसक्रीम आई है तो खा के जाइए। सुने ना गाना आई है तो खा के जाइए, गाना है कैसा पवन सिंह का? देखिए ये अरेंज नहीं करा है अपने क्रिएटर लोग, कई कुर्सी नहीं मिला है, बताइए तो मैडम को शिकायत कर रही है। जितने भी क्रिएटर है सबके लिए कुर्सी, जितने भी आज इन्फ्लुएंसर आए थे सब आलोक भैया के जरिए आए थे। अच्छा आलोक भैया के जरिए आए थे, आलोक भैया ही बताइए कुर्सी नहीं मिला मैडम को, बताइए सारा चीज पुलाव पनीर पंतुआ वो हम लोग दही बारा सब चीज मिला लेकिन कुर्सी नहीं मिला, तो शिकायत होना गया जी, कितना गलत बात। नहीं कोई बात नहीं, हम लोग अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। अगला बार से आपके लिए सोफा फर्स्ट क्लास के व्यवस्था रहेगा, जाके बैठ जाओ। वैसे भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, खड़े होके खाना चाहिए। खाना चाहिए, चलिए खड़ा होकर खाना से यानी कि हेल्थ अच्छा रहता है क्या मैडम? चलिए हो गया क्लियर, अब आइए थोड़ा सा पीछे भी हम लोग दिखाते हैं भैया। तो देखिए अंबार लगा हुआ है भोजन का, लेकिन भोजन काफी सब खाई है। चलिए मजा मस्ती हो रहा ही चाहिए क्योंकि मैडम बोली कि हम खड़ा होकर खाते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये लेकिन यहाँ के हाँ किधर है? अरे वो अकेले ही घूम रहे हैं, उनका जोड़ तोड़ नहीं है ना कोई। आइए थोड़ा सा इधर भी मिलाते हैं लोगों से। अच्छा ही बताइए उधर से रहा ना रहे,
अच्छा आप लोग ये बताइए कि आप लोग के बीच में हम खड़ा है, मेरा एक टकला बाल कैसा लग रहा है? हीरो जैसा लग रहा है कि बदमाश जैसा लग रहा है? सही लग रहा है कि वैसा लग रहा है? तुम रिजा लगते लग रहा है? सही लग रहा है, सही सही लग रहा है ना? हमको तो लग रहा है कि गुस्से में बोल रही है क्या? नहीं, मैं क्यों गुस्से में बोलूंगी? चलो भाई, पहला बार कोई हमको बोला है कि हम बहुत अच्छे लग रहे हैं, सही बात है। हम अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? बहुत अच्छे लग रहे हैं। उनके चैनल को सब्सक्राइब करिए। टकले में इतने सुंदर इंसान को मैंने देखा। अरे बाप, अब ज्यादा तारीफ नहीं कीजिए भैया, बहुत सुंदर फिर हो जाएंगे। क्या बात है। तो चलिए, अपना भी कभी कभी हम लोग रिव्यू लेते हैं, क्या बोलिए, बोला जाए भाई? बस यही बोलेंगे, आप लोग सब्सक्राइब करिए, भैया को सपोर्ट कीजिए, बस। वाह जियो मेरा शेर भाई, ऐसा ऐसा होना चाहिए। आज का इवेंट देखिए सबसे अच्छा है खेसारी लाल भैया, उनके लिए तो जितना ही बोलूं कम है। कम हो, सीरियसली है वो। हाँ, काहे कि भोजन पूरा बढ़िया मिल रहा है तो तारीफ तो होना चाहिए। हाँ, बस भोजन बढ़ियार से नहीं मतलब भैया, उनका प्यार बढ़ियार है, उनका प्यार, उनका दिल, कोई दिल बढ़ियार था प्लस भोजन बढ़ियार था, सिस्टम बढ़ियार था। हर एक को अपने दिल से मौका दिए हैं, सही बात, करना चाह रहे हैं तो अब थोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। और आगे से कुछ मैं आपको दिखाऊंगा, थोड़ा आ जाइए इधर भी, सबको थोड़ा थोड़ा दिखाना हम लोग को इसलिए जरूरी है कि कुछ लोग बुरा भी मान जाएंगे भाई, कहेंगे कि ऐसे ना ऐसे, वैसे ना वैसे हो गया। और देखिए, मानस म्यूजिक के मालिक हैं हमारे बड़े भैया, देख सकते हैं कि मानस भैया, सब लोग जानेंगे कि भैया अभी खाना वाना खाने में पूरा बिजी हो गए हैं, कैसा लग रहा है खाना? खाना बहुत अच्छा है। हाँ, आज पूरा सिस्टम पूरा दम टन था खेसारी भैया के इवेंट में ना, इसलिए इवेंट था ना कि बहुत दिनों के, बहुत सालों के बाद उनका इवेंट हुआ था, बहुत दिनों के बाद देखने मिला, और ग्लोबल से ही आया। और ये ज्यादा सब लोग देखने के लिए आ गए। जी जी बिल्कुल, फिर से जल्दी भैया का एक और इवेंट हो पटना में होने वाला है, एक और इवेंट हो पटना में होगा, यानी कि एक और सबसे बड़ा खुलासा हो गया है। और कृष्णा बेदर्दी भैया देखे लुका के मार रहे हैं, लेकिन थोड़ा समय चाहूंगा कि पहले कैमरा पे आप आइए, अभी हारमोनियम नहीं बजाना है, नहीं अभी नहीं बजाना है, अब खाना खा लें, थोड़ा बहुत मजा दे रहा है खाना में ना। चलिए, तो तमाम चीज़ हम आपको दिखा दिए, क्योंकि भैया सब चीज़ तो हम लोग को दिखा देते हैं, लेकिन भोजन के बारे में हम लोग अगर चर्चा नहीं करते हैं तो ये बिल्कुल हम लोग के लिए गलत बात हो गई, क्योंकि सब चीज़ को दिखाना चाहिए। देखिए टोपा वाले भाई हैं हमारे, देखिए इधर आइए, बहुत भीड़ आज लग रहा है आप लोग के यहाँ, और काफ़ी लोग खा रहे हैं, तो आप लोग भी काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं, एकदम टोपा टोपी सब लगा लिए हैं, क्या कहना चाहेंगे? तो ये बताइए कि खेसारी भैया का इवेंट था, क्या करना चाहिए? बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छे से सभी लोग आए और सभी लोग ने खाया पिया मस्त। वाह क्या बात है। तो चलिए, इन लोग के लिए भी हम लोग थोड़ा धन्यवाद देना चाहेंगे, इसलिए कि इन लोग भी काफी मेहनत करते हैं। और एक और हमारे टोपा वाले भाई, हम लोग टोपा ही बोलते हैं, हमारा मालूम नहीं कि कौन सेफ है। अच्छा, हमको लगा कि टोपा है। अच्छा, खेसारी भैया का जी भेंट हुआ, आप लोग काफी मेहनत कर रहे हैं, पसीने पसीने हो गए हैं, एकदम चेहरा लाल हो गया है, क्या कहना चाहेंगे आज का भीड़ को देख? कुछ नहीं, बस यही कि बहुत अच्छा लग रहा है, भीड़ देख के, क्राउड देख के, हमारे कैसे क्राउड चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग फिर चाहेंगे कि आपके यहाँ से आए और फिर आप लोग के यहाँ खाना आइए, आप लोग देख सकते हैं कि मृत। वाह क्या बात है। चलिए, स्मृति उमृति सब देख रहे हैं कि एकदम ताड़ा ताड़ा, एकदम ताड़ा ताड़ी सब एकदम रेडी हुआ है, क्या क्या बात हमसे निकल रहा है पता चल रहा है। और यहाँ पर हम लोग कुछ जानेंगे, थोड़ा सा हम लोग अब आस्था जी से मिलने का प्रयास करेंगे, कि आस्था जी के पास मैं काफ़ी आस्था लेकर आया हूँ, और ये रील बनाने में आज बिजी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं। हाँ आस्था जी, पहले थोड़ा सा रील बनाने से पहले कुछ आपसे चर्चा कर लिया जाए। आज तो सबसे पहले तबाही न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुछ सवाल आपसे हमारे हैं कि जिस तरीके से भोजपुरी इंडस्ट्री में आप लगातार क्वीन बनी हुई हैं, राज कर रही हैं, तमाम ऐसे गाना है दिल लेके भाग जेबे, अमर सर पवन सिंह जी के साथ भी है, अभी खेसार जी के इवेंट, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे, अच्छा लग रहा है, एंजॉय कर रहे हैं हमारा काम। अपना राज बताइए, आपको तो अच्छा लग रहा है, लेकिन ये बताइए कि दिल लेके भाग जेबे, तमाम ऐसे गाने हैं, सिर्फ आस्था सिंह ही ट्रेंड कर रही है, क्या कर सकते हैं सिर्फ। हाँ, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकती हूँ, मेरी मेहनत है, जो लोग इतना प्यार दे रहे हैं मेरी मेहनत को, बस प्यार है सबका, प्यार है। अच्छा, आने वाले आपके कौन से प्रोजेक्ट और किन कौन से कलाकार के साथ हैं जो कि धमाका होने वाला है? पहले तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि मेरी मूवी रिलीज हो रही है सूर्यवंशम 30 अगस्त को, आप लोग प्लीज देखिएगा, आप भी देखिएगा सर, लेकिन आपको भी आना पड़ेगा। हाँ, तो बिल्कुल आप लोग बुला लीजिएगा, मैं जहाँ जहाँ बुलाएगा मैं आ जाऊँगा। नहीं आएंगे तो हम लोग भाई लगातार बुलाएंगे अपने न्यूज के मारे, क्योंकि आस्था जी को आना पड़ेगा। सूर्यवंशम कितना तारीख को रिलीज हो रहा है? 30 अगस्त। वाह क्या बात है। आप बताइए कि आप डांस बड़ी जबरदस्त करते हैं। शुक्रिया शुक्रिया।
कैसे कर लेती है इतना बढ़िया डांस, इतना एनर्जी? बस भगवान का देन है, नेचुरल होती है सब चीजें, बस भगवान ने दिया है तो मैं उसका उपयोग कर रही हूँ। अच्छा ये बताइए आस्था जी की हम जाना था नहीं दिल लेके भाग जाए, बहुत बढ़िया आपने डांस किया है और बहुत चीज उसमें सजाया है आपने पवन सिंह जी के साथ, मतलब ये संभव इतना कैसे आप कर पाए, या पहले से प्रैक्टिस या फिर ऑटोमेटिक? नहीं हम लोग तो सेट पे जाते हैं और दिल हमार धड़का था तो बार बार तो वहीं पे हम सीखते हैं और वहीं पे हम प्रेजेंट कर देते हैं। तो आस्था जी हमारे साथ थे और इनसे हम लोग काफ़ी चीज इनसे हम लोग जानने का प्रयास किए, बहुत सारी बात हमारी हुई इनसे, और इनका फिल्म आ रहा है सूर्यवंशम, तो चलिए सूर्यवंशम सूर म्यूजिक से, वाह क्या बात है, सूर क्या बोलिए हमने बोले सूर म्यूजिक से सूर्यवंशम मूवी आ रही है 30 अगस्त को। तबाही न्यूज को क्या बोलिए, क्योंकि तबाही भाई आपके पास बहुत देर से आस्था लेकर आया, आस्था जी के पास तबाही न्यूज ऐसे ही तबाही मचाती रहे और हम लोग इंटरव्यू ऐसे ही लेते रहे, लोग हमें प्यार देते रहे, सब लोग हमें सम्मान देते रहे, बस यही क्या बात है। चलिए बहुत प्यारी एक्ट्रेस हैं और इनका फिल्म आ रहा है, आस्था जी के फिल्म को ढेर सारा आप लोग प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, हम लोग तो यही चाहेंगे।